बाबों के समय उसके बारे में तो मैं कभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के आपदा के समय सभी शास्त्रों को मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और आपका कोई स्पेशल और मुझे लगता है कि जो हमने 10,000 करोड़ का क्लेम भरा हुआ है हमें संपर्क उसको भी रुकावट है भारतीय जनता पार्टी की जनता कर रही है, लेकिन उनको मैं चाहूँगा कि आपका प्रभारी परिवारों के साथ खड़ा हो तो हमारा दिसंबर में मिलना चाहिए था और आज भी जनपद जो कि आज तक नहीं मिला। मैं इसे चाहूँगा कि सरकार के आज भी मिले। सर विपक्ष जो है 22 तारीख की छुट्टी की मांग कर रहा है, नीचे करा के थल्ले करा हो जाएगा सब सब सर को निकालो, हम सर को निकाल लेंगे और बैटमैन ये सब के हम जल्द देर हो गए हैं, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना वो हमें चाहते सर। विपक्ष जो है योग ओटी के सिवाय बहुत धीमी रफ्तार से कार्य कर रहा है सर। राजा चयन योग हमीरपुर राजा चयन योग बन गया है, कोई अच्छी ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है। अभी 2 एग्जाम उसमें होने जा रहे हैं, धीमी गति से काम कर रहा है लेकिन भ्रष्ट गति से काम नहीं कर रहा, इसलिए भी भ्रष्ट गति इसमें हर गति को तेज भी किया जाता था, तेज भी किया जाता था, लोगों को पूछा जाता था। हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है और मैं चाहता हूँ कि जो युवा पढ़े लिखे बच्चे आए जो रात दिन मेहनत करते हैं सरकार के रोजगार देने के लिए, उस मेहनत को के साथ उनके साथ न्याय न हो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबॉर्डिनेट सेक्शन बोर्ड ने। धन्यवाद। की थी कि आप इस बार एक नौजवान को एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनकर भेजिए, वो आपकी सेवा करेगा और मुझे खुशी है बहुत ही कम वोटों से 7 वोटों से वो चुनाव जीते लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आज ही मैंने तकरीबन जब से सुरेश जी विधायक बने 150 करोड़ रुपए के आज मैंने शिलान्यास किए उद्घाटन किए और इसमें हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया और इस डे बोर्डिंग स्कूल में आसपास के तकरीबन 1,000 बच्चे पढ़ेंगे, इसमें कोई टीचर्स की कमी नहीं होगी, खेल कूद की कोई कमी नहीं होगी। श्री विजय सिंह बनियाल जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री अतुल करोता जी कौशल विकास निगम के अध्यक्ष, श्री राजेंद्र जाट जी पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री पवन ठाकुर जी जो सरकाघाट से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, श्री राजीव लाल मेहर जी, श्री राजेश ठाकुर जी, श्री बबलू बलविंदर बबलू जी, जयराज जी, रोशन लाल जी, रमेश डोगरा जी, सुखविंदर ठाकुर जी, विक्रम विक्की जी, हम वो सपना साकार हुआ है जो बहुत लंबे समय से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने देखा था। उनका सपना था कि भोरे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीते और कांग्रेस पार्टी जो पुनर्जीवित हो। ठाकुर साहब मैं आपको बताऊं बहुत धन्यवाद करती है।